योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी में सत्ता हासिल की, लेकिन बावजूद इसके मासूम बच्चियों के साथ रेप जैसे जघन्य अपराधों में लगाम नहीं लग रही है। ताजा मामला फतेहपुर जिले के हथगांव थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग दलित बच्ची के साथ एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये हैरमपुर है, वो लड़का कौन थाना लगता है? नाबालिग बच्ची के साथ ये वारदात उस वक्त हुई जब वह शौच के लिए जंगल गई थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे युवक ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। बच्ची की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे लैट्रिन गई और बैठी है तो पीछे से आ गया, एक फीस लिया उसके बाल पकड़ के, थोड़ी दूर आड़ में ले गया सीट के, और एक औरत और गई थी तो दूर थी, वो जब आवाज गलत काम किया तो उन्होंने, वो औरत जब आवाज सुनी ना तो देखी कोई चिल्ला रहा है, तो अपने गांव आई है दौड़ के, सबसे लोगों से बताई तब सब लोग गए वहाँ उसको ढूंढे, जब उसको ढूंढे तो उसको खेत के ले गए, उसको जाके उसकी गांव में पकड़ गया है वो। पुलिस के पास गई। वहीं इस मामले में एसपी रमेश के मुताबिक पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। थाना हथगांव के भैरमपुर गांव की एक 16-17 साल की लड़की सवेरे शौच करने गई थी। उसके बगल का गांव का एक लड़का चंद्रभान लोधी, जो लगभग 25 वर्ष का है, उसका मुंह दबाकर बलात्कार किया। आवाज़ होने पर अन्य लोग पहुंचे। परिजनों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। घटना का निरीक्षण अधिकारीगण कर चुके हैं। पीड़िता जो लड़की है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा चुका है, अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है और उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पीड़िता के जो अधो वस्त्र हैं वो पुलिस कब्जा में लेकर फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। विवेचना का शीघ्र निष्ठान किया जाएगा। फतेहपुर से एनडीटीवी भारत के लिए अरमान खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।